हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, नौ नंबर की सीट हमारी 8 सीट हो चुकी थी एलम की सीरीज जो चल रही थी, आपको सिखाऊंगा नौ नंबर की सीट किस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे हम पहले कंट्रोल एन करके न्यू सीट ले लेते हैं। मैंने A4 सेलेक्ट किया, A4 ओपन कर दिया। यहाँ पर साइज़ हमारा डला हुआ है 36x12, रेजोल्यूशन 200। इसे हम क्रॉप करेंगे, क्रॉप कर दिया हमने। इसमें सेंटर लाइन ले लेंगे, ऑल्ट वी ई करके वर्टिकल में 18 नंबर डालेंगे। उस तरीके से हमारा सेंटर लाइन आ जाएगी। ये मैंने आपको और वीडियोज़ में भी बताया हर बार किस तरीके से लाइन लेते हैं। हमारा साइज़ आ गया। हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल से इतनी हम सिलेक्ट करेंगे, बॉक्स बनाएंगे इतना। ओके, कॉपी पेस्ट करेंगे। ये हम कंट्रोल आई करेंगे, ये लेयर हमारी बन चुकी। इसे हम कंट्रोल टी से थोड़ा लंबा कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें हम बॉक्स बनाएंगे। दो रेक्टेंगल टूल से यहाँ बॉक्स बनाते हैं। मैंने लेयर सेलेक्ट करी, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल आई, हमारी लेयर बन चुकी। ओके, इसका हम एक और लेयर बना के कंट्रोल जे से इक्वल बॉक्स बनाए थे दोनों के, कंट्रोल ई से लॉक कर दिया। बॉक्स को थोड़ा छोटा करेंगे कंट्रोल टी से। कंट्रोल टी करने के बाद ऑल्ट और शिफ्ट दबाएंगे दोस्तों, तब आपको चार कोने हैं उन कोनों से ही आपको मूव करना है, बीच वाले कोनों से नहीं करना दोस्तों, इनसे इधर से, क्योंकि शेप खराब हो जाएगा। ये मैंने बताया और भी वीडियोस में दोस्तों, हर बार बताऊंगा तो लॉन्ग वीडियो हो जाता है, इसलिए नहीं बताता हूँ मैं। इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बन चुकी है हमारी। ये बॉक्स थोड़ा इक्वल करेंगे, यहाँ सेंटर में लेंगे बॉक्सों को। ओके, अब यहाँ हम फोटो डालेंगे फर्स्ट में, फेदर में, यहाँ दो बॉक्स में। यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाते हैं। मैं अब बनाऊँगा कस्टम वाले शेप में जाएंगे हम, रेक्टेंगल टूल्स वाले में गए, इस वाले में जाएंगे शेप में। शेप में जाने के बाद यहाँ ये सिलेक्ट किया हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ बॉक्स बनाएंगे ये वाला। मैंने माउस से सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल दबाकर एंटर मारेंगे, ये लाइन चलने लग जाएगी। लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, वन को कॉपी पेस्ट, कंट्रोल आई, ये हमारा बॉक्स बन गया। इसको बॉक्स को हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से इतना रेक्टेंगल टूल से सिलेक्ट किया, इतना काट दिया हमने। एक साइड हमने कर्व रखा है दोस्तों, इस साइड हमने प्लेन रखा है। इसको हम एक और लेयर बनाएंगे इसकी, कंट्रोल जे से, ये आ गई। इसे कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करेंगे इसे माउस का, राइट क्लिक किया हमने, यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल लिखा है, इसी पर क्लिक करेंगे, ये साइड रोटेट हो जाएगा फेसेस का। इसे इन दोनों को इक्वल कर देंगे दोनों को। ओके, कंट्रोल इसे लॉक करेंगे दोनों, यहाँ सेट करेंगे हम दोनों को। ओके, यहाँ बनाएंगे एक बॉक्स। ओके, हम अब करेंगे बैकग्राउंड सिलेक्ट, क्योंकि दोस्तों लेयर सिलेक्ट करेंगे तो जो लेयर हमारी इतनी है यहाँ तक है, लाइन चल रही है इसके ऊपर, तो इतना पोर्शन हमारा रह जाएगा, बॉक्स नहीं बन पाएगा उतना है, बॉक्स सही हो उतना। हमने बैकग्राउंड सिलेक्ट करी दोस्तों, कॉपी पेस्ट करेंगे बॉक्स के ऊपर, इस लेयर बने ना, हमारी लेयर बने उसके ऊपर लेके आएंगे उस वाली लेयर को, जो हमारी 4 नंबर की लेयर है। कंट्रोल दबाकर क्लोजिंग ब्रैकेट, ये आ गई हमारा, ये बॉक्स आ गया। इसको हम दूसरा कलर देंगे, जिससे कि हमारा बॉक्स अलग से दिखे। लोड सिलेक्शन किया, यहाँ से हम कलर में सिलेक्ट करेंगे, ये टास्क टूल्स दिख रहे हैं सारे, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कोई भी रेड कलर ले लिया हमने, ओके करा, ऑल्ट दबाने के बाद डिलीट बटन दबाया, ये हमारा कलर आ गया। इसको यहाँ बॉक्स एकदम बड़ा कर देते हैं। ये हो गया, इस बॉक्स की एक और लेयर बनाएंगे कंट्रोल जे से, उस लेयर को हम बड़ा करेंगे, पीछे वाले लेयर को कंट्रोल टी करके शिफ्ट ऑल्ट दबाने का से बड़ा कर दिया। ओके, कंट्रोल एंटर, लोड सेक्शन किया उस बॉक्स को, कंट्रोल डिलीट, वाइट कर दिया हमने, जिससे कि हमारा वाइट बॉर्डर बन जाएगा। थोड़ा नीचे से पतला दिख रहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से चौड़ा है। कंट्रोल टी से थोड़ा नीचे से हम शिफ्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे, माउस से नीचे कर देंगे। ओके, इक्वल हो गया सब तरफ से, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो वाइट बैकग्राउंड हमारी उसको हम कलर देंगे, कलर देते हैं इसमें पिंक, लाइट कलर देंगे। ओके, थोड़ा इसे और लाइट करेंगे, हल्का लेवल में जाएंगे, हल्का यहाँ से लाइट ऑन कर देंगे। ओके, इसमें हम लाइन डालेंगे, दो लाइन डाल देंगे हम, रेक्टेंगल टूल से हमने सेलेक्ट किया इतना। ओके, कंट्रोल बैकग्राउंड सेलेक्ट करिए हमने दोस्तों, बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पेस्ट, लेवल में जाएंगे, उसे हम डार्क करेंगे। ओके, इसकी एक और लेयर बनाएंगे,
कंट्रोल जे से उसको मूव करके यहाँ नीचे करेंगे हम। ओके कंट्रोल जी से दोनों को लॉक कर देंगे। ये हमारी डिज़ाइन बन गई। अब हम क्या करेंगे और डिज़ाइन क्रिएट करेंगे हम जब फोटो लगने के बाद। दोस्तों पहले हम फोटो लगाएंगे उसके बाद हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले फ़ोटो लगाते हैं। हम ये वाला फर्स्ट नंबर पर ये फ़ोटो लगाएंगे। दोस्तों मैंने पहले से ही करेक्शन कर लिया है क्योंकि जैसे कि लॉन्ग वीडियो ना हो मैंने करेक्शन हर और वीडियोस बनाई हैं और मैं बताया किस तरीके से हम करेक्शन करते हैं। हर बार मैं करेक्शन बताऊँगा तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाता है। मैंने स्टार्टिंग की वीडियोज़ में तरीके से आपको बताया करेक्शन किस तरीके से करेंगे। अब फोटो को हम कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी किया हमने इस बॉक्स को लेयर वन को सिलेक्ट किया लोड सिलेक्शन किया कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल डी से हम छोटा किया हमने और ओके ऐसे हम फेदर देंगे यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। ओके सेट कर दिया यहाँ पर हमने इतना। अब से हम क्या करेंगे रेक्टेंगल टूल से हम इतना सिलेक्ट करेंगे उसमें फेदर दिया हमने 198 का कंट्रोल शिफ्ट आई किया डिलीट मार दिया। ऐसे हम एक बार और डिलीट करेंगे थोड़ा फेदर ज़्यादा लग जाए। अंडू किया मैंने कंट्रोल और जेड से वही सेम बन गया हमारा पैटर्न। मैंने डिलीट एक और बना दबाया। ओके अब इस फोटो को हम बड़ा करेंगे कंट्रोल टी से। ओके लेयर हल्का सा एक बनाएंगे इसकी नीचे से ज़्यादा फेदर लग गया है। कंट्रोल जे से करेंगे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे कंट्रोल ई। ओके ये हमारा हो गया। मैं इस टूल से थोड़ा नीचे से डिलीट कर दूंगा ऊपर से भी डिलीट कर दूंगा हल्का हल्का नीचे से हल्का सा डिलीट करूंगा। ओके ये हमारा हो गया। इस वाले इन दोनों बॉक्स में फ़ोटो लगाएंगे हम। इसको हम फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। हम ये वाला फ़ोटो ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी किया इसके अंदर हम मैजिक टूल से सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट कर दिया मैंने। ओके ये हमने यहाँ सेट कर दिया। ओके कंट्रोल ई से लॉक कर दिया। इस वाले मैजिक टूल से हम सिलेक्ट करेंगे इस वाले बॉक्स को भी इसके अंदर फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। हमने ओपन किया फ़ोटो यार फोटो कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी किया कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट कर दिया इसके अंदर। ये हमने थोड़ा सेट कर लिया इस बॉक्स के अंदर। ओके कंट्रोल ई से लॉक कर दिया। अब इन दोनों को बॉक्स के अंदर स्टॉक लगाएंगे ऑल्ट ई एस स्टॉक लगाना ही मैंने बताया है। वाइट का स्टॉक लगाएंगे दो का। ओके अब इसके अंदर हम सबसे बड़ा वाला बॉक्स है उसके अंदर फोटो लगाएंगे। इसे फोल्डर के अंदर डाल देते हैं सबसे बड़े वाले अंदर ये वाला फ़ोटो लगाएंगे हम। कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी किया इसको हमने सेलेक्ट किया लोड सिलेक्शन करके कंट्रोल से बी का पेस्ट कर दिया। कंट्रोल डी से हम सेट करेंगे इस फोटो को। ये हमने सेट कर लिया दोस्तों इतना। ओके अब क्या करेंगे अब ये दो छोटे बॉक्स हैं इनको हम सेट करेंगे इनमें लगाएंगे फ़ोटो। सेलेक्ट किया मैंने फर्स्ट वाला मैजिक टूल सेलेक्ट किया इसको हमने फोल्डर के अंदर डाला याला ओपन किया फ़ोटो कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी किया इसके अंदर पेस्ट कर दिया हमने फ़ोटो को। ओके सेट कर दिया इसके अंदर। ओके सेट हो गया। कंट्रोल ई से लॉक कर दिया कंट्रोल ई दबाते हैं दोस्तों। मैजिक टूल से सिलेक्ट किया इसको हमने फोल्डर के अंदर डाल दिया याला ओपन कर लिया फ़ोटो कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी किया इसको हमने पेस्ट कर दिया सेट कर दिया इसमें। ओके यहाँ सेट हो गया कंट्रोल ई से लॉक कर दिया इसमें हम स्टॉक देंगे दो का वाइट का। ओके अब इस मतलब जो बैकग्राउंड की लेयर है हमारी वन उसमें बैकग्राउंड ब्लैक डला हुआ है बॉक्स ये बना हुआ है इसमें हम फोटो डालेंगे। मैंने लेयर सेलेक्ट करी बॉक्स सेलेक्ट कर दिया कंट्रोल से वी के साथ पेस्ट कर दिया। बड़े करेंगे फ़ोटो को बड़ा करेंगे हल्का सा इनका फेस आ जाए दूल्हे का। ओके इसे शिफ्ट माइनस कर देंगे शिफ्ट दबाकर माइनस वाला बटन दबाया मैंने इसकी ऑपोजिटी हम कम करेंगे। बट दोस्तों ये फेदर के पीछे इसकी लेयर दिख रही है जो हमारी ये दिख रही है आपको वाइट इसके पीछे से हम रेस टूल करेंगे रेस हटाएंगे इससे फेदर के पीछे नहीं आना चाहिए फोटो इससे हमने इतना डिलीट कर देता हूँ। ओके ये
अब इसकी ऑपेसिटी कम करेंगे हम। ओके फिर हम डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ पर। हमने ये लाइन क्लिक लाइन बनाई मैंने। लाइन बनाने के बाद बैकग्राउंड सेलेक्ट करी, कॉपी पेस्ट। अब कंट्रोल द्वारा क्लोजिंग ब्रैकेट से ऊपर लूँगा लाइन को। ओके अब इसको मैं वाइट करूँगा, लोड सिलेक्शन करके कंट्रोल डिलीट, जो वाइट लाइन हो गई। और पतली करूँगा कंट्रोल डी से, थोड़ा और पतली लाइन करूँगा मैं। ओके कंट्रोल जे से दो लाइन बनाऊँगा, लेयर से मैंने साइड में कर दी एक और सटा दी। ओके दो लेयर बन गई। ओके कंट्रोल ई से लॉक कर दी। और इनको भी एक और लेयर बनाऊँगा इसकी, कंट्रोल जे, इसकी वाली लेयर को यहाँ मूव कर देंगे हम। ओके अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इस लेयर को बीच में से कट करूँगा, यहाँ से दोनों लेयर को इतना सिलेक्ट करूँगा रेक्टेंगल टूल से। ओके डिलीट, ये हो गई। इसको भी डिलीट करूँगा सिलेक्ट करके, 9 नंबर की लेयर डिलीट हो गई। इसके बीच में हम डिज़ाइन डालेंगे, कस्टम वाले शेप में जाएंगे। शेप में गए, यहाँ से हमने सेलेक्ट करी ये वाली जिगजैग वाली लाइन, ये मैंने यहाँ सेलेक्ट करके बनाई लाइन। ओके ये डिज़ाइन बन गई। ऐसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे, बैकग्राउंड सेलेक्ट करी, कॉपी पेस्ट। अब कंट्रोल द्वारा क्लोजिंग ब्रैकेट से ऊपर ले लिए इसे, हम इसे कंट्रोल टी से उसे हम राइट क्लिक करके वहाँ से दोस्तों 90 डिग्री पर रोड सीधा कर देंगे इसे। अब थोड़ा कंट्रोल टी से सेट करेंगे इसे। इसके हम लोड सिलेक्शन करके वाइट करेंगे कंट्रोल टी। ऐसे ही इसके लेयर कंट्रोल जी से एक बनाकर इसी को हम लेयर को सिलेक्ट करेंगे, लेयर 10 को, लेयर को हम सिलेक्ट किया, इसको कंट्रोल जी किया, एक और लेयर बनाकर इसे हम मूव करेंगे यहाँ पर। ओके इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बन गई दोस्तों ऐसे ही हम एक और लाइन बनाएंगे यहाँ नीचे सीधी, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल ब्रैकेट से ओपनिंग ब्रैकेट से क्लोजिंग ब्रैकेट से करके ऊपर नीचे कर लेंगे, डबल लेयर करेंगे कंट्रोल जे से। ओके इसको हम इस तरीके से कलर में ही रहने देंगे दोस्तों। इरेज टूल से बीच बीच से डिलीट कर देता हूँ उसको, उसकी ऑपेसिटी कम कर देता हूँ। ओके अभी दोस्तों हो गया हमारा, हमने करेक्शन कर लिया था पहले ही। अब थोड़ा 19-20 भी आपको करेक्शन अंतर लगे तो आप कंप्लीट होने का सेट सेलेक्ट करके अभी भी करेक्शन थोड़ा बहुत जो कमी लग रही है वो कर सकते हैं। येलो टोन कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है, उसे कम बढ़ती कर सकते हैं। जैसे कि अब फर्स्ट वाले फ़ोटो में मुझे येलो टोन कम करनी है, ब्लू टोन बढ़ानी है, जो कि दूल्हे वाले चेहरे में सिलेक्ट करूँगा, इतना फेदर दूंगा। कंट्रोल बी जाके कंट्रोल बी से हम कलर बैलेंस निकालेंगे, उसके बाद ब्लू टोन दूंगा हल्की सी। ओके ऐसे सेकेंड ये वाला फ़ोटो है हमारा, इसको भी हम सिलेक्ट करके इसमें हम येलो टोन कम करेंगे इन दोनों फ़ोटो में। ब्रश इन दोनों को सिलेक्ट किया मैंने दोस्तों, फेदर दिया, कंट्रोल बी से कलर बैलेंस में जाके ब्लू टोन बढ़ाऊंगा। ओके ऐसे ही सेकंड ने थर्ड नंबर का फोटो, ऐसे भी हम पूरे फोटो को कंट्रोल बी से ब्लू टोन बढ़ाएंगे। ये जो बड़ा फोटो है इसको भी हम ब्लू टोन करूँगा, इतने इन दोनों को सिलेक्ट करके। ओके लास्ट वाले फ़ोटो हमारा, उसमें भी ब्लू टोन दूंगा हल्की सी। ओके तो दोस्तों ये हमारा करेक्शन भी हो गया था इसमें और फोटो ही सेट हो गए। दोस्तों पहले मेन सबसे मेन चीज़ होती है करेक्शन। अगर आपका करेक्शन अच्छा नहीं होगा तो एलम की प्रिंटिंग अच्छी नहीं आएगी। डिज़ाइन आप किस तरीके से क्रिएट कर रहे हो, कैसे भी कर लो, मेन चीज़ होती है करेक्शन। करेक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए दोस्तों। जितना करेक्शन अच्छा होगा उतनी एलम प्रिंटिंग अच्छी आएगी। कितने या कैसे भी आपके फ़ोटो ख़राब खींचे हों, अच्छा करेक्शन हो जाएगा, एलम बहुत अच्छी निकल के आएगी प्रिंटिंग में। दोस्तों ये हमने सेट कर दी, बैकग्राउंड में हम फ़ोटो डालेंगे। कोई भी फ़ोटो आप ओपन कर लेते हैं, मैं जैसे कि एक फ़ोटो ग्रुप वाला है सबसे बड़ा, ये वाला ओपन कर लेता हूँ। ये वाला नहीं लगा रहे दोस्तों, ये नहीं, हम क्या करेंगे ये वाला फ़ोटो लगाते हैं हम, ये वाला फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ मैं, फर्स्ट वाला जो भी लगाया था मैंने। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ये मैंने किस लिए कॉपी किया, दोस्तों पीछे का जो पर्दा आ रहा है उसको हम बैकग्राउंड में डालेंगे, डिज़ाइन लगेगी इफेक्ट में। मैंने सिलेक्ट की, इतना बड़ा कर दिया। ओके ऊपर ले जाना, पूरा पर्दा आ गया दोस्तों। अब इसको हम सेट करने के बाद शिफ्ट दबाएंगे और प्लस माइनस का है ना उससे इफेक्ट डालेंगे, जो मैंने बताया है, जो शिफ्ट माइनस माइनस माइनस। ओके ये लाइट वाला, और जो इफेक्ट कौन सा लगाया दोस्तों, शॉर्ट की है, F7 ओपन करेंगे, यहाँ से सॉफ्ट लाइट, ये लिखा हुआ है
इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट थे वो शॉर्ट की से यूज़ कर रहे थे हम। सॉफ्ट लाइट लिया हमने, ओके। इसकी ऑपेसिटी हम हल्की सी कम कर दी हमने इसकी, ओके। दोस्तों ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई पूरी। इस तरीके से आप मैनुअल डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों। किसी तरीके से आप कैसे भी बनानी है आपको फ़ोटो के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन बॉक्स बनाते जाइए, उस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। सिंपल बनाना, कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा हूँ दोस्तों फोटोज़ पे। जब जयमाला के टाइम पर स्टेज आएगी, स्टेज की सीटें बनेंगी, तब दोस्तों इफेक्ट डाल के मैं सीटें बनाऊँगा। किस तरीके से आप वो उस टाइम पर देखिए किस तरीके से मैं इफेक्ट डालूँगा, तो आपको वो भी मैं सिखाऊँगा किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं। तो दोस्तों ये हमारी कंप्लीट होगी डिज़ाइन। मैंने इसमें फ़ोटो करेक्शन नहीं बताया, क्योंकि दोस्तों मैं हर सीट में करेक्शन का मैं आपको बताता जाता हूँ किस तरीके से करेक्शन कर रहे हैं। उसी तरीके से आपको करेक्शन करना हर एक सीट पर, हर एक फ़ोटो पर। उसी तरीके से करेक्शन करोगे आप, आपकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी अगर आपकी स्पीड स्लो है, क्योंकि शॉर्ट की से ही करोगे तभी स्पीड बढ़ेगी। शॉर्ट की से ही यूज़ करना पड़ेगा आपको। शॉर्ट कीज़ में आपको बताता रहूँगा, जो भी आपको शॉर्ट की पूछनी है आप पूछ सकते हैं उससे, मैं बता दूँगा किस तरीके से हम शॉर्ट की यूज़ करते हैं दोस्तों। और दोस्तों किसी भाई ने मुझसे पूछा था नीट इमेज का फ़िल्टर कैसे लोड करेंगे, दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा नीट इमेज का फ़िल्टर कैसे लोड करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको 9 नंबर की सीट बताई किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो आप जैसा ही देख सकते हैं इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई सीट। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने 9 नंबर की सीट कंप्लीट करी, तो आपको बताऊँगा मैं नीट इमेज का फ़िल्टर कैसे करते हैं लोड। आइए इस सीट को हम सेव कर देते हैं। हम नीट इमेज का फ़िल्टर ओपन करेंगे। मैं सॉफ्टवेयर में जाता हूँ, अपने सॉफ्टवेयर में ओपन करा। ये हमारा नीट इमेज का फ़िल्टर, ये रहा नीट इमेज प्रो प्लस। इसे हमने फोल्डर को ओपन किया। अब इसमें एक फोल्डर दिख रहा है क्रैक का, एक सेटअप का दिख रहा है। दोस्तों इसमें हम सेटअप वाला फ़िल्टर दिख रहा है जो, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसे इसमें आएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के लिए ऑप्शन। उसके बाद एक्सेप्ट करने का आएगा, एक्सेप्ट क्लिक करिए। यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करिए, यहाँ पर आएगा ब्राउज। ब्राउज को आपको कुछ नहीं करना, किसी में कुछ नहीं करना है आपको, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए आपको। मैंने ऑलरेडी कर रखा है दोस्तों, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। आपको ओनली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट होने के बाद आपका सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ फाइल ओपन होगी तो उसे क्लोज़ कर दीजिए। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपको जाना है क्रैक पर। क्रैक को ओपन करेंगे आप। क्रैक में आपका ये नीट इमेज का फ़िल्टर लगा है, तीन ऑप्शन होंगे, तीन दिख रहे हैं। फर्स्ट वाले को नीट इमेज लिखा है, उस वाले फ़िल्टर को कॉपी करेंगे आप। कॉपी करने के बाद आपको दिस पीसी में, माय कंप्यूटर में जाना है। सी ड्राइव आपकी होगी फर्स्ट वाली, जिसमें विंडोज सेटअप होता है, इसको ओपन करेंगे सी ड्राइव को। उसके बाद आपको क्या करना है, जहां दो प्रोग्राम फाइल होंगी, एक प्रोग्राम फाइल, एक प्रोग्राम फाइल 86, जिसमें आपकी फ़ोटोशॉप 7 डली हुई है। फ़ोटोशॉप 7 में इंस्टॉल होगा दोस्तों। हम फ़ोटोशॉप 7 कहाँ, कौन से सेटअप में, प्रोग्राम फाइल में डली हुई है, उसे हम देखते हैं। प्रोग्राम फाइल ओपन किया हमने फर्स्ट वाला, इसमें हम ओपन करेंगे एडअप को। एडअप में हम इसमें डालिए 2020 हमारी नहीं डली इसमें दोस्तों। इसको हम बैक करेंगे, हम जाएंगे प्रोग्राम फाइल 86 में, इसको ओपन करेंगे। इसमें जाएंगे एडअप में, एडअप में जाएंगे हम, इसमें देखिए हमारी सेटअप फोटोशॉप 7.0, हमारी ये फोटोशॉप है 7.0, इसे हम ओपन करेंगे। इसके बाद आप ये इस तरीके से खुल जाएगा, इसमें आएगा प्लगइन्स का फोल्डर। ये आप जैसा कि देख सकते हैं प्लगइन्स लिखा हुआ है, इस वाले फोल्डर को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ डायरेक्टली पेस्ट करना है, और किसी फोल्डर को ओपन नहीं करना। प्लगइन्स को ओनली खोल कर इसे यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पेस्ट कर देंगे, रिप्लेस करने के लिए आएगा, उसको रिप्लेस कर दीजिए, ओके कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए। आपको फ़ोटोशॉप भी क्लोज़ करनी है एक बार, उसके बाद री ओपन करनी है। फिर ओपन करने के बाद आप नीट इमेज का फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से यूज़ करेंगे आप। ये मैंने ओपन किया फ़ोटो को। ओपन करने के बाद इसमें फ़िल्टर में जाएंगे, नीट इमेज का फ़िल्टर ओपन करेंगे। ओके, ये लिखा आएगा नॉइज़, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसको आपको क्रॉस करना है या कैंसिल करना है, कुछ भी कर सकते हैं आप। क्रॉस कर दीजिए, इस तरीके से फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, नॉइज़ फ़िल्टर सेटिंग, इसमें जाना है आपको। नॉइज़ फ़िल्टर सेटिंग में जाएंगे, क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से सेटिंग आ जाएगी। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ऑलरेडी सेट है पहले से ही वो। आपको बस अप्लाई पे करना है क्लिक। अप्लाई पे करने के बाद ये आपका फ़िल्टर चालू लग जाएगा फ़ोटोज़ पर। हमारा फ़िल्टर लग गया दोस्तों। इस तरीके से आपको फ़िल्टर लोड करना है फ़ोटोशॉप 7 में दोस्तों। मैंने प्रोटेक्चर और फ़िल्टर भी बताया किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसकी मैंने
वीडियो बताइए किस तरीके से यूज़ करते हैं उसे, उससे आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया 9 नंबर की सीट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, कैसे फ़ोटो लगाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, 9 नंबर की सीट के बारे में बताया। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों 10 नंबर की सीट के साथ, तब तक के लिए बाय।